अलजजायर के सफीर इब्राहिम रोमानी ने एक वक्त के हमरा इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। इस मौके पर ताजी बरादरी से खिताब करते हुए अलजजायर के सफीर इब्राहिम रोमानी ने कहा कि इनका मुल्क पाकिस्तान के साथ मजबूत तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना चाहता है, क्योंकि दोनों ममालिक बहुत से शोबों में एक दूसरे के साथ तआवुन करने की बेहतर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान अलजजायर को तस्लीम करने वाला अव्वलीन ममालिक में से एक है और अब वक्त आ गया है कि दोनों ममालिक अपनी मईशतों के लिए बेहतर नतायज के हसूल के लिए कारोबारी ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। इब्राहिम रोमानी ने कहा कि अलजजायर एक अहम जोग्राफियाई महल वकूह पर वाक़ है जिसके पास कुदरती वसाइल के वाफर मकदार मौजूद है, लिहाजा पाकिस्तान के सरमायाकार अलजजायर में सरमायाकारी करके अपनी मसनूआत को अफ्रीकी मार्केट में बरामद कर सकते हैं। अलजजायर का तजारती वक्त लाहौर और कराची में होने वाली नुमाइशों में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। इन्होंने कहा कि ICCI भी अपना एक वक्त कारोबार के नए मौके तलाश करने के लिए अलजजायर का दौरा करे, जबकि सफारतखाना इस सिलसिले में हर मुमकिन तआवुन करेगा। इस मौके पर अपने हालात का इजहार करते हुए ICCI के सदर एहसन सफर बख्तावी ने कहा कि पाकिस्तान और अलजजायर के दरमियान दो तरफा तजारत बहुत कम है, लिहाजा दोनों ममालिक निजी शोबों को करीब लाकर बाहमी तजारत को कम अज कम $1 अरब तक बढ़ाने की कोशिश करें। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अलजजायर ज़राअत, तामीराती मवाद, केमिकल्स, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक मसनूआत, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक का सामान और खाने पीने की चीजों समेत मुतअद्दिद शोबों में एक दूसरे के साथ तजारत कर सकते हैं, लिहाजा इन मौकों से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की जाए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, अलादे जराही, चमड़े की मसनूआत और खेलों का सामान समेत मुतअद्दिद मयारी मसनूआत तैयार कर रहा है, लिहाजा अलजजायर पाकिस्तान से इनकी दरामदात बढ़ाने पर तवज्जो दे। इन्होंने यकीन दिलाया कि ICCI अलजजायर सफारतखाने के साथ मिलकर दोनों ममालिक के निजी शोबों के दरमियान मजबूत रवाबत कायम करने के लिए तैयार है, ताकि पाकिस्तान और अलजजायर के दरमियान तजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया जाए। चैम्बर के सीनियर नायब सदर फाद महीद ने कहा कि पाकिस्तान और अलजजायर के दरमियान स्टील और कुकिंग ऑयल के शोबे में बाहमी तआवुन को फरोग देने की बेहतर सलाहियत है, लिहाजा दोनों ममालिक बाहमी कारोबार के इन मौकों से फायदा उठाने पर तवज्जो दें। चैम्बर के नायब सदर इंजीनियर अजू इस्लाम जफर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और अलजजायर तजारती वफूद का बाकायदा तबादला करके बाहमी तआवुन के नए मौके तलाश करने की कोशिश करें। चैम्बर के साबिक सदर और UBG पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जफर बख्तावी ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और अलजजायर अवामी और कारोबारी रवाबत को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ बराह रास्त परवाजों का सिलसिला शुरू करें। इन्होंने कहा कि अलजजायर के मौजूदा वजीर आजम नादिर लारबोय इनके ज़ाती दोस्त हैं और इन्होंने पाकिस्तान में बतौर सफीर दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करने में अहम किरदार अदा किया था। इन्होंने कहा कि इनको वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देने के लिए चैम्बर का एक वक्त अलजजायर का दौरा करेगा। शेख मोहम्मद एजाज, मकसूद ताबिश, डॉक्टर इस्मान, खालिद महमूद, अख्तर हुसैन, इम्तियाज अब्बासी, मोहतरमा मुनीजर माजिद और दीगर ने भी पाकिस्तान और अलजजायर के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मुफीद तजावीज़ पेश की।